गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शांतिनिकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर, वो थर्ड चैप्टर था योगा एंड लाइफ स्टाइल। उसका जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जो हमारे चैप्टर का, वो है हाइपरटेंशन। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक हुआ हाइपरटेंशन। वैसे तो आपका बैक पेन भी है, लेकिन वो बैक पेन क्या आपका रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था, वही हमारा लास्ट टॉपिक हुआ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे डिजीज़ होती है, किस रिलेटेड डिजीज़ होती है, एंड इसको अक्वायर करने के लिए और इसकी रोकथाम करने के लिए कौन कौन से आसन है। सीधी सी बात है कि हमारा योगा से रिलेटेड, यानी जो भी हम पूरे हमने चैप्टर में जो पढ़ा, वो क्या है कि जो भी जो आपके कोर्स में जो भी आपकी डिजीज दी हुई है, उसको हमने रोकथाम किया किससे, योगा और आसन से। तो उसको सेम वही इसी के साथ करेंगे कि जो हाइपरटेंशन है, उसको पहले हम समझ नहीं पढ़ेंगे कि होती क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन होता है कि कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद फिर हम इसे क्योरेबल करने के लिए कौन कौन से योगा और आसन होते हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके इससे बच सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो समझे, अब देखते हैं बुक में हाइपरटेंशन, ठीक है, देखते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्यूरिफाइड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज। When the heart contract pushes the blood throughout a blood vessel and consequently the blood pressure increase in the arteries. क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन हमारी क्या है, यानी जो हमारा हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, जब एक नॉर्मल हमारा जो रक्तचाप होता है, वो एक नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल से ऊपर जो हमारा ब्लड प्रेशर है जो भी, तो वो अगर उससे ऊपर जाता है तो क्या हाइपर टेंशन, यानी उच्च रक्तचाप की स्थिति में अगर वो पहुंच जाता है तो काफ़ी हमारी बॉडी के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक होता है। तो वो कैसे होता है, देख लो। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज सप्लाइज प्यूरिफाइड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स टू द बॉडी थ्रू। जो हमारे हृदय का जो काम होता है, हार्ट का जो काम होता है, वो क्या होता है कि रक्त को प्यूरीफाई करके हमारे जो मेन फंक्शन है, अंग हैं, उन तक पहुंचाना, जिससे कि हमारी जो बॉडी की जो प्रक्रिया, जो फंक्शनल है, वो चलता रहे, ठीक है। यही तो हमारे हार्ट का काम है। तो क्या होता है, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पुशेस द ब्लड थ्रूट द ब्लड वेसल्स एंड कंसिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन द आर्टरीज। जैसे ही हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड का जो दबाव है, वो किस पर पड़ता है, हमारी आर्टरीज, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तब प्रेशर पड़ता है तो नॉर्मल की बात है कि हमारे जो रक्तचाप होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो वो जो प्रेशर होता है, वो कौन सा कहलाता है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स बिटवीन बीट्स इट इज सेड टू बी अ डायस्टोलिक मोड। यानी जब क्या होता है, जब हमारी हार्ट मसल्स रिलैक्स बिटवीन, जब जो धड़कन के बीच में जो हमारी जो मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स होती हैं, हृदय की मांसपेशी होती है, वो क्या रिलैक्स करती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस वाले जो प्रेशर को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक मोड, ठीक है। तो द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेस्ट शुड बी विद इन रेंज ऑफ 100 to 140 मर्करी सिस्टोलिक। यानी दोनों का क्या हो गया, आपके जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, वो कब होता है, जब हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड का जो आर्टरीज पर इफेक्ट, यानी आर्टरीज पर जो दबाव पड़ता है, तब हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक। लेकिन जब दो बीट के बीच में, जो हमारे हार्ट बीट के बीच में, जब हमारी जो मांसपेशी, हृदय की मांसपेशियां, वो जब रिलैक्स करती हैं, तो वहाँ कौन सा होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों क्या, एक मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर वाली बात है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एक फिक्स जो एक रीडिंग होती है, वो क्या है, जो आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की है, वो आपकी 100 से 140 मरकरी होना चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका सिस्टोलिक है, वो 60 से 90, ठीक है। तो ये दोनों की रीडिंग है एक तरीके से। तो इसके बीच में रहेगा तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो ठीक है। इससे जैसे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि हमें हाइपरटेंशन की स्थिति में आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसा होता है, ठीक है। तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, दोनों का बेस बता दिया कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हाइपरटेंशन में लीड टू स्ट्रोक, एनेसोनस, आर्टरीज डिजीज एंड इवन क्रॉनिक किडनी डिजीज, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी हाइपरटेंशन में क्या होता है, स्ट्रोक लगने के ज़्यादा, जैसे दिल का दौरा पड़ना एंड
आर्टरीज डिजीज यानी धमनियों से रिलेटेड, इवन क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर बहुत टाइम तक हमारा रक्तचाप बढ़ के रहेगा या कम रहेगा या रीडिंग के बिल्कुल ही बहुत ऊपर नीचे रहेगा, तो क्या होता है कि हमारी किडनी फेलियर का डर रहता है हमें, और जो भी हमारे मेन अंग हैं, मेन फंक्शन है जो बॉडी के जो ऑर्गन है, उनका फेल होने का काफ़ी खतरा होता है। पूरे विश्व में हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो जितनी मौतों का जो आंकड़ा है वो ज़्यादातर क्या होता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम इसे नॉर्मली हम क्या बहुत ईजी तरीके से ले जाते हैं कि नहीं हम चेक भी नहीं कराते कभी, तो जब भी हमारा रूटीन चेकअप होना चाहिए तो बहुत ज़रूरी कि हमें महीने में दो महीने एक महीने में अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अब तो क्या है कि जो यंग यूथ जनरेशन आ रही है उसको भी हाइपरटेंशन जैसे 25 या 30 साल के बीच से बहुत, तो ये काफ़ी घातक बात है एज अ ह्यूमन बींग कि हमें देखना चाहिए मानव जाति के लिए काफ़ी कि इतनी जल्दी यूथ या यंग एज में भी ये चीज़ें हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, पहले क्या था 40+ या 45+ में होती थी, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल और हम लोगों का रहन सहन का तरीका और हमने अपने बिल्कुल भी अपने ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे तो उसका ये नतीजा है। बाकी तो ठीक है, तो ये इसके करीब से सिम्टम और कैसे होती है, तो ये आपका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाइपरटेंशन। अब इसके क्यूजेस ऑफ हाइपरटेंशन, तो नंबर फर्स्ट है जेनेटिक क्यूज, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि हमारी लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है और ओबेसिटी हम पहले पढ़ के ही आए हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप अगर आपकी डेली लाइफ में अगर बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ऐसी बीमारी लगने के काफ़ी चांसेस हैं, तो ये इसके क्यूज हो गए, जेनेटिक क्यूज भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से आसन हैं जैसे क्योरेबल करने के लिए इसमें काम में आते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट है आपका ताड़ासन, ताड़ासन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं, तो ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन, ये 6 तरीके के आसन हैं जिसमें कि हम ताड़ासन पहले पढ़ चुके हैं, वज्रासन भी पढ़ चुके हैं, पवन मुक्तासन भी पढ़ चुके हैं, भुजंगासन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार और जिससे कि आपको और अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि जितने भी आसन हैं हम योगा का कोई भी आसन करें कहीं ना कहीं आसन का और योगा का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंस ये लिए है कि हम कोई सा भी आसन करें, कोई सा भी आसन, बहुत तरीके का आसन है, हम नॉर्मल आधे घंटे भी आसन करते हैं या 2 या 3, तो वो हमारी पूरी होल बॉडी, जो पूरी बॉडी है उसको प्यूरीफाई करती है और पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालती है। तो आसन और योगा का सबसे बड़ा जो महत्व है ना वो यही है कि जरूरी नहीं है हमें कि 10 या 20 तरीके का आसन करने चाहिए आधे घंटे में हमें 2 या 3 आसन करो तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर। तो यही एक योगा और आसन का बहुत बड़ा रोल है हमारी, अगर हमें हेल्दी बॉडी और स्वस्थ जीवन अगर हमें जीना है तो उसके लिए योगा और आसन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, तो ताड़ासन के बारे में पढ़ते हैं, तो ताड़ासन का पोस्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे कि ताड़ासन का पोस्चर इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं, द प्रीफिक्स ताड़ मीन्स पाम टू दिस आसन ऑल्सो रेफर टू अ पाम ट्री पोज, अल्टरनेट इज द ऑल्सो कॉल्ड द माउंटेन पोज, द सिंपल पेस्पेटी आसन विच कैन बी यूज द वॉर्म अप बिफोर टेकिंग अ कॉम्प्लिकेटेड पोजेस थॉट वी कैन द परफॉर्म एट एनी टाइम ऑफ द डे, इट्स द रिकमेंडेड ड्यू टू 4 to 6 आवर कीपिंग योर मील्स, यानी ये आसन काफ़ी ईजी है करने में और इसे हम किसी भी टाइम पे भी कर सकते हैं, बट ये है कि खाना खाने के 4 या 6 घंटे बाद ही हमको ये करना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि ताड़ासन का एक तरीके का माउंटेन या एक ट्री ऐसा हमें पोज बनाना होता है और अपनी हील्स पे जो अपने टोज हैं और जो अपने पैरों के टोज हैं पंजों पर खड़ा होना होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर करना होता है और हाथों को भी ऊपर की तरफ ही आसमान की तरफ ही प्रेशर करना होता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे फायदे बेनिफिट्स हम देख लेते हैं इसके, इट्स स्ट्रेंथनेस द थाई नी एंड एंकल एंड एडिशनल टू इंक्रीजिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी, इट इनहेंस द नर्वस सिस्टम, स्ट्रेंथनेस योर एबिलिटी टू फोकस, इट्स इम्प्रूव पोस्चर एंड मेक द बटक्स एंड एब्डोमल थिनर, यानी ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करता है और एक हमारा होता है ना फोकस करने की जो पावर होती है एबिलिटी टू फोकस उसको बढ़ाता है। ठीक है, एंड जो हमारे एंकल है नी है एडिशन इंक्रीजिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी लचक है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी स्पाइन है या हमारी थाइज है या नी है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ठीक है, और इन्हें मजबूत करता है इनकी मांसपेशियों को, तो ये हो गया। नंबर सेकंड हम पढ़ते हैं वज्रासन,
मैं आपको बता दिया था दिस आसन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ गोइंग इन टू द मेडिटेटिव स्टेट सिंस इट इज द अपराइट पोज मेडिटेशन काम एंड माइंड इन द नर्वस एंड स्लो डाउन द हार्ट रेट। एंड इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि अपने ये बैठ कर करने वाला आसन है जो भी वज्रासन है, तो उसमें क्या करेंगे हम अपने पैरों को मोड़ के और अपनी जो एंकल है जो एड़ियाँ हैं एड़ियों के ऊपर अपने बटक का जो पूरे बॉडी अपर बॉडी का वेट रखेंगे, ठीक है। और उसमें हमें काम अपनी जो स्पाइन होगी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और जो हमारा फेस होगा फेस बिल्कुल सामने होगा और उसमें हमें कूल एंड काम पोज मेडिटेटिव स्थिति में जो पोस्चर होगा वो हमारा क्या होगा ध्यानपूर्वक की स्थिति में होगा ध्यान की स्थिति में होगा, ठीक है। तो ये और मैं आपको पहले बताया था वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के जस्ट बाद कर सकते हैं क्योंकि उससे क्या होता है जो हमारा डाइजेस्टिक सिस्टम है जो डाइजेस्टिक जिसको प्रॉब्लम होती है कब्ज की कॉन्स्टिपेशन तो वो सारी दूर होती हैं और जो हमारी हार्ट रेट है हार्ट रेट को भी नॉर्मल करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वज्रासन हो गया, ऐसे ही आपका शवासन पढ़ लेते हैं, हमने शवासन नहीं पढ़ा है तो शवासन की स्थिति में मैं आपको बता दे रहा हूँ। शवासन हमारा इस स्थिति में बिल्कुल सब की स्थिति में, ठीक है, जैसे डेड बॉडी होती है ना डेड बॉडी, ठीक है। तो देखते हैं शवासन रिसेम्बल द पोस्चर ऑफ द डेड बॉडी इट्स रिक्वायर कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड दिस पोज इज यूजली प्रैक्टिसड आफ्टर एन एक्टिव योगा सेशन टू प्रमोट डीप हीलिंग एंड रिजुवेशन। यानी शवासन एक रिलैक्सेशन आसन है, यानी जितनी भी आप वर्कआउट करने के बाद जो है आप जिम में वर्कआउट करो या आप कोई भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद या कोई भी ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद तो उसके बाद क्या होता है रिलैक्स करने बॉडी को क्या होता है जैसे हम बोलते हैं ना वार्मिंग अप हो गई हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन जो हम बोलते हैं जैसे 12th में चैप्टर है तो लिम्बरिंग अभी हम पढ़ेंगे तो लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन जो होता है तो उसको करने के लिए सबसे अच्छा जो आसन है बॉडी को एक तरीके से जो थक जाती है ना बॉडी उसे दोबारा से रिचार्ज करने के लिए तो हमारे सब आसन होता बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उसमें कि बॉडी को दोबारा से रिचार्जेबल करने के लिए, ठीक है। तो शवासन की स्थिति में जैसे ही आप अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं एंड बिल्कुल ज़मीन पर लेट जाते हैं हाथों को सीधा करके और आंखों को बंद करके हम आसमान की तरफ देखेंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा हम 5 मिनट या 7 मिनट में आपकी पूरी जो बॉडी होगी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी एंड किसी भी कार्य को या एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। तो ये शवासन के बहुत बड़ा बेनिफिट्स है और हम एक और बेनिफिट देखते हैं इट्स इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी रिटेंशन एंड ऑल्सो रिपेयर द सेल्स एंड टिश्यूज इट्स बूस्ट्स अप एनर्जी लेवल एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे करने के बाद आप चार्जेबल हो जाओगे एक पॉजिटिव एनर्जी और जो भी आपने एक्टिविटी में जो भी आपकी एनर्जी लॉस हुई होगी किसी भी एक्टिविटी या ट्रेनिंग पीरियड को करने के लिए इसे करने के बाद आप दोबारा से चार्जेबल हो जाओगे और एक तरीके से आपके अंदर एक फुर्ती और एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है ये आपका शवासन हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हुआ ये आपका हाइपरटेंशन वाला भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर कैसे होता है और कैसे कैसे इसकी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। किडनी फेलियर और इन बीच दोनों की रीडिंग कितनी होनी चाहिए आप जब भी अपना आपको आपके घर में बड़े लोग हो तो उनका आपको ध्यान देना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर कितनी रीडिंग में है, ठीक है। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ही आपको डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको एक नॉलेज होगी तो काफ़ी अच्छा है आप अपने घर में भी बता सकते हो। तो फिजिकल एजुकेशन में यही है इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसीलिए कि आपके ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप इसे सब्जेक्ट की तरह लेके चलो कि नहीं सिर्फ सब्जेक्ट है नंबर लाने नहीं ये नंबर तो आपके आएंगे आएंगे बट इसे आप अपनी डेली लाइफ में भी लेके चलोगे तो ज़िंदगी भर काम आने वाला है क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ चल रही है और आपकी बॉडी आपके साथ चल रही है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस होते हैं ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चल रही हैं तो इस सब्जेक्ट का ये बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसीलिए फिजिकल एजुकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बच्चों को यानी बहुत ही मनोरंजन के साथ साथ उसके जो लाभ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में लेके ना चलो उसको डेली लाइफ में रूटीन में उसको डालो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया तो यूँ मान लो कि आप जिस चीज़ पर भी ध्यान दे रहे हो ना जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भाग नहीं पाओगे उसके पीछे तो आपको भागने के लिए जो स्टेमिना और जो चाहिए तो उसके लिए आपको फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और उसे अपनी लाइफ में बेशक आप आधा घंटा दो लेकिन अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आज यहाँ पर क्या तीसरा चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो अब तक हमारे 3 चैप्टर कम्प्लीट हो गए हैं और आपके जैसे 100% 10 चैप्टर है तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए तो लगभग लगभग आपका 30% पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फिजिकल एजुकेशन में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, तो वो हमारा फोर्थ चैप्टर है, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके हमारा पूरा कोर्स, हमें कोर्स की लगभग लगभग एक या डेढ़ महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज करेंगे, टेस्ट पेपर करेंगे, और जो आपके एग्जाम होंगे ऑनलाइन उसमें भी आपके एग्जाम में लगभग लगभग चार चैप्टर तो आएंगे आएंगे, चार या पाँच चैप्टर। तो आपको जो भी क्वेरी है वो आप मेरे को पूछ सकते हो, अपने पर्सनल फ़ोन नंबर आपका सब पर मेरा है ही है, ग्रुप में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, टेक केयर।